सैमसंग ने अभी फिलहाल एम सीरीज नाम के कुछ स्मार्टफोन लॉन्च किए जिसमें आपको एम 10 और एम 20 ऐसे कुछ स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो ये स्मार्टफोन है जो आपको बजट लेवल और एंट्री लेवल कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी एम 20 के बारे में और इसकी प्राइस और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल हॉल। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब मैं ऐसी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आपके लिए लेके आऊँ तब आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए चलते हैं। तो ये सैमसंग कंपनी ने इंडिया में अपने कुछ एम सीरीज नाम के स्मार्टफोन लॉन्च किए जिसमें आपको एम 20 स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो ये एम 20 स्मार्टफोन आपको इंडिया में बजट कैटेगरी में आता है जो आपको 3GB और 4GB रैम के साथ अवेलेबल है। तो ये 3GB रैम और 32GB का ऑप्शन आता है। इसकी प्राइस आपको 10,990 रुपीस इंडिया में रखी गई है और इसका जो 4GB और 64GB का ऑप्शन है इसकी प्राइस इंडिया में 12,990 रुपीस रखी गई है। तो इस M10 और M20 में आपको जो सैमसंग का Infinity V डिस्प्ले देखने को मिलता है जो लगभग आपको वाटर ड्रॉप नॉच की तरह ही मिलता है। इस M20 स्मार्टफोन में आपको जो 6.5 इंच का फुल HD प्लस का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है जो 90% आपको स्क्रीन प्रोवाइड करता है। और इस M10 और M20 के स्मार्टफोन के कैमरे में आपको सेम रियर कैमरा देखने को मिलता है जो 13+5 मेगापिक्सल का है। जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वह आपको 1.9 एपर्चर रेशियो के साथ देखने को मिलता है और जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपको 2.2 एपर्चर रेशियो के साथ आपको देखने को मिलता है। और इस M20 स्मार्टफोन में आपको जो सेल्फी मिलते हैं वो आपको 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है जो 2.0 एपर्चर रेशियो के साथ आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की। तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है और ये स्मार्टफोन आपको फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है जो आपको 15W का चार्जर स्मार्टफोन के साथ मिलता है। और एक स्मार्टफोन आपको टाइप सी चार्जिंग के साथ मिलता है जो आपके स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग करने के लिए सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की। जो सैमसंग ने इसमें अपना नया प्रोसेसर डाला हुआ है जो है जो एक्सिनस 7904 जो लेटेस्ट सैमसंग का प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर आपको 1.8 GHz के साथ मिलता है। फिलहाल अभी तक जब हम इस प्रोसेसर को कंपेयर किया जाए स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ तो ये प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 632 और स्नैपड्रैगन 636 के बीच में इसका प्रोसेस देखने को मिलती है। तो इस स्मार्टफोन में आपको बैक में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है और साथ ही 3.5mm का हाफ जैक देखने को मिलता है और आपको बहुत सारे सेंसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। और साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो का सपोर्ट मिलता है। तो ये स्मार्टफोन देखा जाए तो इस प्राइस के साथ एक बड़े ऑप्शन है इस सैमसंग की तरफ से। और ये स्मार्टफोन आपको वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्रोवाइड करता है जो मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में एक फर्स्ट स्मार्टफोन होगा जो वैल्यू फॉर मनी आता है ये सैमसंग की तरफ से। अब देखते हैं ये सैमसंग की एम सीरीज इस शाओमी ओप्पो रियलमी ऐसे कुछ ब्रांड के साथ कैसे बीट करती है और कैसे अपने इस स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में बेचती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।